वो जो कहते थे कि किसान आंदोलन खालिस्तानी आंदोलन है, वो जो कहते नहीं थकते थे कि सड़क पर किसान नहीं बिचौलिए बैठे, सुना है आजकल उन्हीं किसानों की वजह से उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ गायब है। आज सबूत भी दिखाएंगे और सच्चाई भी बताएंगे। 18 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को खास तौर पर बुलाया गया। चिंतन का विषय था किसान आंदोलन। इस बैठक को पीएम मोदी ने भी वर्चुअली संबोधित किया। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में किसान आंदोलन बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। किसानों की मांगों को अनसुना करने वाली बीजेपी को डर सताने लगा है कि किसानों का इशू उसके हाथ से जीत न छीन ले जाए। इसलिए पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 136 सीटें हैं, जिनमें 96 सीटें बीजेपी के पास हैं। किसान आंदोलन की वजह से 80 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, नोएडा, हापुड़, आगरा, मेरठ, इन इलाकों में तो बीजेपी के नेता डर से गाँव में नहीं जा रहे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के पांव कैसे लड़खड़ाने लगे हैं, इसे समझना है तो आपको सतपाल मलिक को सुनना चाहिए। MSP को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको, वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आजकल मेघालय के राज्यपाल हैं। सतपाल मलिक मेरठ के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक पिट जाने के खौफ से गाँव या अपने विधानसभा इलाकों में घूम नहीं रहा है। सतपाल मलिक का यह भी दावा है कि बीजेपी के सलाहकारों ने सत्यानाश कर दिया। अगर यही हालत रही तो पार्टी अगली बार केंद्र से भी चली जाएगी। सतपाल मलिक जैसे सीनियर नेताओं ने बस वही कहा है जो सच है। बीजेपी भले ही घी लगाकर मूछों पर ताव मार रही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसकी धड़कनें भी रुक गई हैं किसानों की वजह से और हार सामने नजर आने लगा है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।